रूल्स ऑफ लाइफ इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, रूल्स या नियम एक ऐसी चीज है जो शायद हर किसी को पसंद ना हो, लेकिन जब लाइफ में ये होते हैं ना तो उसे एक डिसिप्लिन में बांध देते हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे जिंदगी जीने के कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में जो हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस सीरीज में, जो कि एक समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, हम जानेंगे और समझेंगे लाइफ के ऐसे 12 रूल्स जो आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में बदल देंगे। देखिए, देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां तो हैं और ये हमारी ज़िंदगी का अब हिस्सा बन चुकी हैं। अब इससे बचने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप सुइसाइड कर लें और काम ख़त्म, और दूसरा कि हम उनका डटकर सामना करें। जिस तरह की भाग दौड़ और थका देने वाली ज़िंदगी में हम जी रहे हैं ना, ऐसे में हर किसी के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें कभी एक बुरा इंसान बना देता है। पीटरसन कहते हैं कि ये सोचना बहुत अच्छा है कि लाइफ का मतलब खुशी है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है? खुशी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जब ये आए तो इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, लेकिन ये मोमेंट्री और अनप्रिडिक्टेबल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप एम कर सकें, क्योंकि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और यदि हैप्पीनेस ही जीवन का पर्पस है तो दुखी होने पर क्या होता है? तब आप अनसक्सेसफुल या फेल होते हैं। इस सीरीज में हम सुनेंगे और समझेंगे कि इंसान कुछ एथिक्स और मीनिंग के साथ पैदा हुआ है और उसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इसके लिए उसकी पर्सनल इंटरेस्ट्स बीच में नहीं आनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए जो लाइफ को एक मीनिंग देती हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें बाइबल में हैं, हैरी पॉटर में कही गई हैं, पिनोकियो और लायन किंग में भी कही गई हैं। क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि एक इंसान को एक पीड़ित बने रहने से बचना चाहिए और अपनी लाइफ को एक ऐसे तरीके से जीना चाहिए जिसमें तुरंत मिलने वाले मोमेंटरी सैटिस्फैक्शन और नेचुरल और परवर्स डिज़ायर्स को रिजेक्ट किए जाने की ताकत हो। साथ ही हम सुनेंगे कि किस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग इग्नोर करती है सेक्सुअल डिफरेंसेस को, मेल फीमेल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, और कैसे हमारे अंदर रिस्पेक्ट की कमी है। पर साथ ही इस समरी में हम सीखेंगे उन बहुत से तरीकों के बारे में भी जो कि हमें किसी भी बुरे से बुरे ट्रैजिक इवेंट और उसकी मेमोरीज से बाहर निकलने में मदद करते हैं। ऐसे इवेंट्स जिन पर हमारा कभी कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखता है और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और मोमेंट्स को एंजॉय कर सकता है। अगर बात करूं तो पॉइंट्स में हम सीखेंगे ज़िंदगी जीने के 12 नियम जो हैं। पहला, अपने कंधे सीधे तान कर खड़े रहिए, मतलब तैयार रहिए ज़िंदगी के हर चैलेंज के लिए। दूसरा, ये समझिए कि आपको खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना है जिसकी आपको सहायता करनी है। तीसरा, दोस्त वो बनाइए जो वाकई आपका भला चाहते हों। चौथा, अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए, ना कि किसी और से। आप कल क्या थे और आज क्या हैं, ये कंपैरिजन ज़रूरी है। पांचवा, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा मत करने दीजिए जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। छठा, किसी और को जज करने से पहले या किसी और को सलाह देने से पहले खुद को सही कीजिए। सातवां, वो करिए जिससे आपकी लाइफ को एक उद्देश्य या दिशा मिलती है। आठवां, सच बोलिए, या ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। नवां, हमेशा सोच के चलिए कि जिसे भी आप सुन रहे हैं उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। दसवां, कम बोलिए लेकिन मतलब का बोलिए, यानी कुछ ऐसा जो दूसरे सुनना चाहें। ग्यारहवां, जब बच्चे स्केट बोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें, उन्हें सीखने दें। और आखिरी यानी बारहवां, जब भी आप किसी बिल्ली को रास्ते पर देखें तो उसे पाल लें, यानी सीखें जीवन में सामाजिक और असामाजिक होने की कला। इन 12 नियमों के साथ, जिन्हें लोगों ने जीसस के 10 कमांडमेंट से कंपेयर किया है, हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो जीवन जीने का हमारा तरीका और नज़रिया दोनों बदल देगा। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती, आप मेरे साथ सुन रहे हैं इस बुक की ऑडियो बुक समरी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं लाइफ रूल्स का एक अनोखा सफर। आप आ रहे हैं ना? बी कॉन्फिडेंट इन योर पोस्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी भारती। हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जहाँ हम जानेंगे और सीखेंगे जीवन जीने के ऐसे नियम जिन्हें शायद सुना तो हम सबने होगा, पर उन्हें कभी अपना नहीं पाए क्योंकि हमने उन्हें ना सीखा नहीं।
ये सीरीज समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, यानी जीवन जीने के 12 नियम। सोचकर थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि क्या वाकई जिंदगी नियमों में बांधी जा सकती है, क्या नियमों को फॉलो करके हमें खुशी मिल सकती है। पर इन सब के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं जिंदगी में वो क्या है और आखिर किस तरह हमें खुद को इस लायक बनाना है कि हम उसे हासिल कर सकें। तो ये 12 रूल्स उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जो हमें शायद ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं और उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जो हमें कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने कंधों को सीधा करना होगा। सुनकर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ना। तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी वही है जो कि हमारा दिमाग हमें बनाता है। एक इंसान का दिमाग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि क्या किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगा, स्पेशली बहुत ही टफ और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फाइटिंग सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को एक बेहतरीन फ्रेम में ढालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें और हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण। जब आप किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ डील करते हैं या कन्फ्रंट करते हैं और एक पूरे इक्विप्ड वे, यानी पूरी तरह से तैयार होकर उसका सामना करते हैं, तो यूजुअली उसका रिजल्ट सक्सेस ही होता है। फूड, शेल्टर और स्पेस जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेसिक ज़रूरतों के बढ़ते सेट को पूरा करने के लिए इंसानों और जानवरों का आपस में और एक दूसरे के साथ एक बहुत ही कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है। और इन स्ट्रगल्स के बीच इंसानों ने अपने लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं जो ये अश्योर करने के लिए ज़रूरी हैं कि किसी भी तरह के कॉस्टली आउटकम्स पैदा न हों। इंसानों के बीच होने वाला ये स्ट्रगल एक डोमिनेंस हायरार्की के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अनफॉर्चुनेटली ये हायरार्की सिर्फ उन्हीं को फेवर करती है जो लोग इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस सीक्वेंस में नीचे हैं उनके लिए ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। सीक्वेंस में नीचे बैठे लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि ये उनके ज़िंदा रहने की नीड्स पर डिपेंड करता है। इतना महंगा होने में उनके रिएक्शंस कठिन परिस्थितियों से बचने में बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इवेंचुअली इन रिएक्शंस का व्यक्ति की ओवरऑल साइकी पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर बात करें लॉबस्टर्स की, तो लॉबस्टर्स दिखाते हैं कि कैसे डोमिनेंस हायरार्की पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है जिसे सभी कॉम्प्लेक्स लाइफ्स ने अडैप्ट किया है। इस प्लैनेट पर अधिकांश जानवरों के लिए यदि आप लो स्टेटस के हैं तो जीवन बहुत अच्छा नहीं है। आपके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपका भोजन भयानक है, आपकी मिनिमल रोमांटिक रुचि है, आपके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है, जल्दी से उम्र बढ़ने और यंग एज में मरने की संभावना ज़्यादा है, आपके आसपास शोक मनाने के लिए बस कुछ ही लोग हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि लॉबस्टर बेस्ट आश्रय स्थलों के लिए कंपटीशन करने के लिए अग्रेसिव झगड़े को उकसाते हैं और ये वास्तव में उनके जीव विज्ञान को बदल देता है। उदाहरण के लिए विजेताओं के पास सेरोटोनिन ऑक्टोपमीन का एक मजबूत रेशियो होता है, जबकि लॉबस्टर के लिए रेशियो कम हो जाता है जो आमतौर पर हार जाते हैं, जबकि उन लॉबस्टर्स के लिए ये रेशियो कम हो जाता है जो आमतौर पर हार जाते हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन जीत का कारण बनता है। लॉबस्टर्स ऐसा करते हैं एक कॉन्फिडेंट पोस्चर प्रेजेंट करने के अलावा मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए। इसके विपरीत उनके काउंट पार्ट्स अधिक डरपोक हो जाते हैं और डर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसा कि आपने शायद देखा है, इस व्यवहार की अक्सर मनुष्यों द्वारा भी नकल की जाती है। जो लोग जीवन में बार बार जीतते हैं वो अपनी जीत की लय से एक्साइटेड हो जाते हैं और इससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। वास्तव में वो आत्मविश्वास अक्सर उन्हें आगे की सफलता क्रिएट करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन की चपेट में होते हैं या ये महसूस करते हैं कि लाइफ कभी भी उनके फेवर में नहीं है, वो अधिक जोखिम से विपरीत होते हैं और हर सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कि वो पहले से ही जानते हैं कि वो फेल होंगे। बदले में उनकी एक आत्मनिर्भर प्रोफेसी बन जाती है जो उनकी ब्लीक वर्ल्ड व्यू को रीइन्फोर्स करती है। पीटरसन ने इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हुए समराइज किया कि अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होने के लिए जीवन की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करना है खुली आंखों से। इसका मतलब है कि अपनी विल से पोटेंशियल कियोस को रहने योग्य व्यवस्था की रियालिटीज में बदलने का निर्णय लेना।
इसका अर्थ है स्वेच्छा से एक उत्पादक और सार्थक वास्तविकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलिदान करना, प्राचीन भाषा में ईश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना। इसलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने या एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं, लॉबस्टर की तरह सोचिए। जी हाँ, लोगों को ये बताने के लिए कि आप विनर हैं, उस कॉन्फिडेंस से भरे पोज पर स्ट्राइक करें और इसे तब तक बनाए रहें जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते। इस सीरीज के अगले भाग में हम सुनेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना जरूरी है। अब ये तो आप जानना ही चाहेंगे ना, तो आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। हेल्प योरसेल्फ पार्ट वन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। इस सीरीज में अभी तक हमने सुना कि हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए, लेकिन ये कब हो सकता है सोच कर देखिए। क्या ये तब संभव है जब आप सारी जिंदगी खुद को दूसरों के लिए डिवोट कर देते हैं? हमें हमेशा लगता है और सिखाया भी जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, परोपकार करो, हेल्पफुल नेचर रखो, और ये सब सही भी है। आखिर एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। लेकिन इन सारी चीज़ों और बातों में एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं दुनिया में, और वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद। वो इंग्लिश कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। और इस संसार में घर शुरू होता है हमसे, यानी हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारी सराउंडिंग्स। इस सीरीज में जो कि समरी है पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, आज हम बात करेंगे हमारे अपने बारे में। सबसे पहले ये कहावत आपको उल्टी लग सकती है। आखिरकार क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि दूसरों से वैसे ही प्यार करें जैसे आप खुद से करते हैं? लेकिन जबकि ये निश्चित रूप से कॉमन एक्सप्रेशन है, ये हमारे उद्देश्यों के लिए ऑपोजिट है, क्योंकि अक्सर हम अपने लिए कम दूसरों की देखभाल करने में बेहतर ज़्यादा होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर अपनी खुद की कमियों के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, और ये अवेयरनेस सेल्फ हेट का कारण बन सकती है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कियोस और ऑर्डर की। पीटरसन ने इंसान की हैबिट को समझाने के लिए एडम और ईव की बाइबल की कहानी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसके थ्रू इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ शेमिंग के बिहेवियर के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि जब लोग दूसरों की हेल्प करने का ऑप्शन चुनते हैं तो उनकी एक सेल्फलेस डिज़ायर होती है जो कि अक्सर सोसाइटी के एक्सपेक्टेड नॉर्म से बहुत ज़्यादा होती है। पीटरसन इसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एपेटाइट के एक्शन के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग हमेशा जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काट रहे हैं, और ऐसे लोग खुद को अननेसेसरी और एक्सेसिव बर्डन के साथ वे डाउन कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की या सेल्फ डाउट की, तो ज़रूरी है कि हम उसके कारणों के बारे में भी जानें। जैसा कि हम उन सभी कारणों पर ध्यान फोकस करते हैं जिनसे हम खुद को इन्फीरियर मानते हैं, हम कन्विंस हो जाते हैं कि हम सेल्फ केयर, काइंडनेस या पॉजिटिविटी के लायक नहीं हैं। इस वजह से हम अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, विशेष रूप से हमारे साथी और पालतू जानवर, और ख़ुद को वही काइंडनेस देने से निगलेक्टेड रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, लोग अपने कुत्तों को बचाने के लिए गोलियाँ देंगे, लेकिन जब अपने लिए करना हो तो मना कर देंगे। आपको अपने भविष्य पर विचार करने और सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी देखभाल ठीक से कर रहा होता तो मेरा जीवन कैसा दिखता? कौन सा करियर मुझे चुनौती देगा और मुझे प्रोडक्टिव और हेल्पफुल बना देगा? अगर इस बात को हम और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहें तो हम ईडन गार्डन की कहानी को देख सकते हैं। ईडन गार्डन की कहानी से पता चलता है कि हम सभी ओरिजिनल सिन यानी पाप से प्रभावित हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। आप या तो स्वर्ग की तलाश कर सकते हैं या नर्क में घसीटे जा सकते हैं। हाँ, आपका स्वभाव शर्मीला पापी है, लेकिन भगवान के लिए बस थोड़ी सी कोशिश करें। अपनी सेल्फ पिटी से बाहर निकलने के लिए, या कहें कि हमारे पिटीफुल होल से बाहर निकलने के लिए, हमें दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंतज़ार करना बंद कीजिए। सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम इसी बारे में और बात करेंगे कि आखिर क्यों हम ऐसे हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम हर चीज़ से पहले खुद को रखें। आफ्टर ऑल, जैसा कि हमने पहले कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और हमारा होम है हम खुद।
तो इसलिए पहले खुद का ख्याल रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट पार्ट टू। हेलो दोस्तों, जिंदगी जीने के नियमों की बात करें तो यकीन मानिए, नियमों में बंधा हुआ जीवन या कहें कि कुछ नियमों का पालन करने से हम वाकई अपनी जिंदगी को अपने खुद के लिए बहुत आसान बना लेते हैं, और ये आसान जिंदगी हमें वो देती है जो शायद हम सब ढूंढ रहे हैं, सुकून या कंटेंटमेंट। इस सीरीज में, जो कि समरी है किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, हम बात कर रहे हैं पीटरसन के द्वारा दिए गए ऐसे नियमों की जो अगर जिंदगी में अपना लिए जाएं तो जिंदगी को शायद भरपूर और चिंता फ्री तरीके से जिया जा सकता है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ऐसे ही एक रूल के बारे में, जिसमें हमने जाना कि दुनिया में किसी और के लिए कुछ भी करने से पहले जरूरी है अपने खुद के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाना, या और आसान शब्दों में कहें तो किसी और से पहले खुद का ख्याल रखना। पर इन सबसे पहले हमें ये भी समझना है कि जिंदगी हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। हम जिंदगी जीने के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उसी तरीके से वो हमेशा चलती रहे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए ज़रूरी है कि हम हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहें। लेकिन इसके लिए आप उसकी चिंता में जीना छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। पीटरसन ने कहा है कि हम कोई भी हों, कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले या वॉल स्ट्रीट बैंकर, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि जब हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ को ठीक करने में लगा देते हैं या पूरी तरह से किसी ऐसी चीज़ को ठीक करने में जुट जाते हैं जो कि हमारे वश में नहीं है, तो खुद को ऐसा करने के लिए बाउंड करना है, या इस बाउंडेशन की भावना ही किसी भी इंसान को एंड में एक विनाश या डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। इसलिए किसी भी इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठा सके, ये सीखे कि जीवन में कुछ परिस्थितियों में पीछे हट जाना ही सही होता है, और यही ज़रूरी भी है। ईस्टर्न फिलॉसफी ड्यूअलिटी ऑफ नेचर पर अपनी टीचिंग्स के माध्यम से इन टॉक्सिक पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ये न्यांग सिंबल, जो कि हम सब ने ही देखा होगा, एक डार्क साइड और एक लाइट साइड का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसका मतलब यह है कि हर साइड में कम से कम दूसरे का संकेत होता है, और ना ही दूसरे के बिना वो एग्जिस्ट कर सकता है। ईस्टर्न फिलॉसफी ये भी मानती है कि दोनों को गले लगाकर और दोनों के बीच एक हेल्थी बैलेंस की तलाश करके ही हार्मनी को प्राप्त किया जा सकता है। माता पिता और उनके बच्चे के उदाहरण से समझें तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके ये बैलेंस प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते थे, और इसीलिए वो अपने बच्चों को कुछ भी बुरा अनुभव करने से रोकने के लिए हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं। हालांकि अगर वो अपने बच्चे को बचाने में बहुत दूर जाते हैं और इस तरह उन्हें दुनिया के बारे में सीखने या नए अनुभवों की खोज करने से रोकते हैं, तो फिर वो एक ऑपोजिट एक्सट्रीम की ओर बढ़ रहे होंगे। नेगेटिव इफेक्ट से सुरक्षित रहने की बजाय उनका बच्चा बस स्टाइफल्ड महसूस करेगा, और स्वतंत्रता की भावना को फिर से पाने के लिए और ज़्यादा एक्सट्रीम तरीक़ों से विद्रोह कर सकता है। पीटरसन का कहना है कि यदि मैं किसी का मित्र, परिवार का सदस्य या प्रेमी हूँ, तो मैं मॉरल रूप से अपनी ओर से उतना ही कठिन बार्गेन करने के लिए ओब्लाइज्ड हूँ जितना कि वो उनकी ओर से हैं। पीटरसन का आर्ग्यूमेंट उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वैलिड है जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते समय खुद की देखभाल जारी रखने के इम्पोर्टेंस का मेंशन करने में फेल रहता है। इन एक्सट्रीम सीमाओं में से कोई भी हेल्थी नहीं है, इसलिए जब आप अपने खुद के जीवन में संतुलन चाहते हैं तो याद रखें कि डार्क साइड की ओर बहुत दूर न जाएं, या परफेक्शन के प्रयास में ओवरबोर्ड न जाएं। परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है और कियोस ना अनअवॉइडेबल है, इसलिए अनअवॉइडेबल से लड़ने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। इस सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे दोस्तों की, यानी वो लोग जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमें और हमारे जीवन की अहम सोच को अफेक्ट करते हैं और हमें जीवन की बहुत सारी बातें सिखाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर।